क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो है 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमने इस इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब हम 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए को 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए से डिनोमिनेटर में भी एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए से न्यूमरेटर में भी, ठीक है। और आगे माइनस 1 अपॉन साइन ए तो है ही है। अब जब हम 1 से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में है कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्रोडक्ट विद कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमको ए माइनस बी प्रोडक्ट विद ए प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारे पास में ए माइनस बी प्रोडक्ट विद ए प्लस बी हो तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्रोडक्ट विद कॉसेक ए प्लस कॉट ए को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर आगे है माइनस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। अब आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, न्यूमरेटर में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1, और आगे माइनस कॉसेक ए तो है ही है। अब जब हम 1 से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और आगे माइनस कॉसेक ए तो है ही है। कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट ए, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया कॉट ए, ठीक है। चलिए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारा है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब हम राइट हैंड साइड के इस टर्म के डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए, फिर यहां पर माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अब जब हम 1 से कॉसेक ए माइनस कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब डिनोमिनेटर में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रोडक्ट विद कॉसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कॉसेक ए को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, फिर माइनस है माइनस को भी नोट डाउन कर लेते हैं। न्यूमरेटर में है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको भी एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम आते हैं डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि होता है 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, माइनस को भी एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। अब जब माइनस से कॉसेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस कॉसेक ए, फिर जब माइनस से माइनस कॉट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस माइनस जब प्लस कॉट ए। अब यहां पर है 1, 1 से जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर ही आएगा, इसलिए अब ये 1 यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में बचेगा कॉट ए। तो हमने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी कॉट ए आया, और जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी कॉट ए आया। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है
वो इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। इसके हमें जो इक्वेशन प्रूव करने के लिए दिया गया था वो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड।